राजपुत्री दीति तुम्हारा आह्वान करती है, जागो असुरो जागो। आपने हमारा आवाहन क्यों किया प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दीति? भैया देवांतक, इन्हें देखकर तुम्हारे मन में भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे मन में हो रहे हैं। हाँ भैया निरंतक, किसी का आदर करना हम असुरों का स्वभाव नहीं, किंतु देवी दीदी के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान का सागर उमड़ रहा है। यज्ञ कुंड से बाहर आओ देवांतक और नरांतक। जय देवी दीदी। हमारे मन में आपका आदर करने और आपका आदेश मानने की इच्छा क्यों जागृत हो रही है माता दीदी? क्योंकि हम असुर जाति के शुभ चिंतक हैं। हमने तुम्हारी भयानक विध्वंसक विस्फोटक शक्ति को पहचान कर तुम्हें तुम्हारा योग्य स्थान दिलाने का निश्चय किया है। हमारा योग्य स्थान? कहाँ है हमारे योग्य स्थान? स्वर्ग का सिंहासन। स्वर्ग का सिंहासन? हाँ, जाओ और अपनी भयानक विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति से स्वर्ग के धीरू सम्राट देवराज इंद्र को धरती पर धकेल कर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। और कुछ? हाँ, इस संसार में शक्ति पूजन की परंपरा है। तुम दोनों पृथ्वी वासियों को अपनी आसुरी शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें अपनी पूजा के लिए विवश कर दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता दीति। देवराज इंद्र कौन है? बताओ फिर इंद्र कौन है? सम्राट इंद्र कौन है? स्वर्ग का सम्राट देवराज इंद्र कौन है? दुष्ट देवांतक, तूने स्वर्ग में आकर भयंकर भूल की है। तेरे इस दुस्साहस का दंड तेरी मृत्यु है। मूर्ख, क्या तू देवांतक का अर्थ नहीं जानता? मैं देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मुझे बता कि देवराज इंद्र कौन है? क्या वो मेरे नाम से भयभीत होकर कायरों की भांति स्वर्ग छोड़कर भाग गया? मूढ़ बुद्धि देवांतक, तो इस समय अपनी मृत्यु अर्थात देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़ा है। तू इंद्र है? विश्वास नहीं होता।
कि तू जैसे निर्बल प्राणी को पराजित करने के लिए माता आदित्य ने मेरा आह्वान किया है। देवांतक, अपनी मृत्यु को और अधिक भयानक न बना दुष्ट। हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग से कोई जीवित नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे इच्छा के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश किया है और अब अपनी इच्छा से तुम सबको स्वर्ग से धकेल दूंगा। तुझे देवताओं की शक्ति और स्वर्ग के रहस्य का ज्ञान नहीं है मूर्ख। मुझे हर रहस्यमय शक्ति का भलीभांति ज्ञान है इंद्र, किंतु जिस शक्ति की नींव अहंकार पर खड़ी हो उसे नष्ट करना मेरे लिए क्षण मात्र का काम है। पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, अपने शक्तियों के प्रहार से समाप्त कर दो इस दुष्ट को। ये अग्निदेव मुझे समाप्त करेंगे जिनमें तुम्हारे अभिमान के कारण स्वार्थ का ताप भर शेष रह गया है। और ये वरुण देव जिन्हें तुम्हारे दंभ से उपजी ईर्ष्या ने स्वयं प्यासा कर दिया है। और ये पवन देव जो तुम्हारे ज्ञान के स्पर्श से अपनी स्वाभाविकता ही भूल गए हैं। और इन शेष देवताओं का मेरे सन्मुख तो कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रहार!
दुष्ट देवांतक, यदि तू इतना ही बलशाली है तो अपने मूल रूप में आ और मुझसे युद्ध कर। तुम भयभीत न हो इंद्र, मैं तुम्हारी ऐसी भयानक दुर्दशा नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे इस विशालकाय शरीर से भयभीत हो? लो, मैं अपने शरीर को तुम्हारे समान कर देता हूं। अपनी शक्ति की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने वाले इंद्र, तुझे तो मैं अपना ग्रास बनाऊंगा। महारानी बनी रहोगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब निर्बल कायर इंद्र के स्थान पर महापराक्रमी स्वर्गाधिपति दैत्यराज देवांतक की पत्नी कहलाओगी। देवी शची, आप तुरंत अदृश्य हो जाएं। हमने आपका आदेश पूर्ण कर दिया माता दीदी। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया और पृथ्वी पर भैया नरांतक आपकी इच्छा पूर्ण कर रहा होगा। Ha 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 ha!
भजन बंद करो दुष्टो। ओम महागणेशाय नमः। अन्यथा तुम सब हमारा भोजन बन जाओगे। दुष्टो, क्या तुमने नर जाति का अंत करने वाले महाशक्तिशाली असुर नरांतक का आदेश नहीं सुना? तुम हमें श्री महागणेश की पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? श्री महागणेश का पूजन हर जीव का परम कर्तव्य है। अब से केवल मेरी पूजा करना ही तुम सबका परम कर्तव्य है। मुझसे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। तुम सब मेरी पूजा करो, मुझे पसंद करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो वो महागणेश नहीं दे सकता। श्री महागणेश का नाम आदर से ले दुष्ट, अन्यथा परिणाम तेरी मृत्यु होगा दुष्ट। वे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नेश्वर हैं। उनके क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा। मेरा अंत? रक्षा करो श्री महागणेश, रक्षा करो, रक्षा करो श्री महागणेश, रक्षा करो। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब हम सहायता के लिए किसको पुकारें? नारायण नारायण। देवगण, इस समय हमारी सहायता एवं रक्षा श्री महागणेश के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हमें उन्हीं का आह्वान करना चाहिए। रक्षा करें, रक्षा करें श्री महागणेश। असुर देवांतक और नरांतक के आतंक से हमारी रक्षा करें। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश, आपके संसार में इस समय आसुरी शक्तियों की विघ्न बाधाओं का पर्वत उठ खड़ा हुआ है, रक्षा करें। श्री महागणेश, इन महाशक्तिशाली असुरों के आतंक से आपकी संपूर्ण सृष्टि में धर्म का नाश हो रहा है। श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक ने आपकी महान सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, कृपया उन्हें दंड दें और हमारी रक्षा करें। हे सर्वेश्वर, हमारी रक्षा करें। हे विघ्नेश्वर, हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। पता
आए गणाधिपतये नमः। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। परम देव प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। सर्वेश्वर श्री महागणेश की जय। किंतु जीवन प्राप्त करने वाली जीवात्मा की आयु जब तक शेष है हम उसका वध नहीं करेंगे। अर्थात श्री महागणेश? अर्थात हमारी इच्छा से जीवन प्राप्त करने वाली हर जीवात्मा अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होती है। वे अपने सत्कर्मों द्वारा महागणेश लोक प्राप्त कर सकती है तथा अपने दुष्कर्मों से नरक की भागी बन सकती है। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु ये सब कुछ तभी संभव है जब जीवात्मा अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर ले। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जीवन के साथ साथ ही आरंभ होती है मृत्यु की यात्रा। जीवन के हर पल में जीवात्मा मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसी कारण हम जीवात्मा के हर पल का तथा हर कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। श्री महागणेश, क्या देवांतक और नरांतक की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई? कृपया बताएं श्री महागणेश। उद्विग्न न हो देवराजेंद्र, हमने आपको पहले ही सावधान किया था। आपके माता व पिता के संस्कारों के प्रभाव के कारण आपको देवराज पद अवश्य प्राप्त हुआ है, किंतु इस पद पर आप अपने सत्कर्मों द्वारा ही स्थिर रह सकते हैं। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक के आतंक से हम सभी व्यथित और उद्विग्न हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें। महागणेश क्षमा करें। देव गुरु बृहस्पति, देवांतक तथा नरांतक का वध स्वयं हमारे द्वारा हमारे महोदर अवतार में ही होगा। महोदर अवतारी परम देव श्री महागणेश की जय। महोदर अवतारी परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। किंतु विधि के विधान अनुसार हमारे महोदर अवतार में अभी समय शेष है। हे सर्वेश्वर श्री महागणेश, आपकी प्रार्थना करने वाला कभी निराश नहीं होता। हम आप सबको भी निराश नहीं करेंगे देवी शची। जिस प्रकार देवी दीति के आह्वान पर देवांतक तथा नरांतक जागृत हुए, इसी प्रकार हमारी इच्छा मात्र से वे पुनः पाताल अचेत हो जाएंगे। परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की जय। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय। दुष्ट देवांतक तथा नरांतक, तुम्हारा अंत समय आ गया है। Oh, oh, oh.
बोलिए श्री महागणेश की जय। पर ब्रह्म श्री महागणेश की जय। जगत रक्षक श्री महागणेश की जय।